रानी की शादी? क्या सगाई परसों है? फोटो व्हाट्सएप करो लड़के की, मैं देखता हूँ। घर वाली के पास जा रहा हूँ, बाहर वाली। ये आपका नहीं है? ये तो है। रुको, ये तो ले जाओ। आसमान कभी झुकता नहीं, बाबूराव कभी रुकता नहीं। अरे बाबा, लेकिन ये तो लेके जाओगे? सुनिए, वाणी की शादी पता है? मैं जूते पहनना भूल गया, अभी से क्या बताऊं, कौन सा बहाना बनाऊं? जूते का है? जूते गोबर को बहुत पसंद आया, उसने अपना लिए। उस दिन भी जॉगिंग करने शर्ट में गया और टी शर्ट में आया। एक चोर के साथ एक्सचेंज ऑफर खेल के आया। रोज ही कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। अरे तुम्हें तो नहीं भूला ना, स्माइल करो, ग्लास रखो और दिमाग कम चाटो, नॉन स्टॉप रेडियो। हाँ, वाणी की शादी के लिए। हेलो भैया, फोटो मिल गई, देख के बताता हूँ। लड़का राइट में खड़ा है। समझ गया, वाणी के राइट में जो खड़ा। फोन ही काट दिया। लाओ फोन दो, बोतल रखो। लक्ष्मी कुछ और भी कह रही थी। हाँ, कान के पर्दे खुले हो तो हर कोई फाड़ना चाहता है, जबान लंबी से लंबी हो जाती है। लड़का तो सच में बहुत अच्छा है। ये बाल नूडल्स जैसे, नाक मशरूम जैसी, हाथों में न जान, सीने में जलन, आंखों में तूफान, एक नंबर का ठरकी लगता है साला, एकदम बकवास। कुछ भी, लड़का एकदम इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है चलो, वायर है, करंट है या नहीं छूने के बाद पता चलेगा। फटी हुई आंखें और मत फाड़ो, जाओ पैकिंग करो। ओए, कोयले को कॉम्प्लेक्स देने वाले, इधर आ, ये ले एंजॉय। अरे सर, इतने का तो तेल ही लग गया। तेल के ही दूंगा ना, गाड़ी मेरी थोड़ी है बेटा, ये हायर लेवल का हिसाब है, तेरी समझ के बाहर है। सर कम से कम किलोमीटर का हिसाब तो करो। किलोमीटर से अगर किलो निकालो और किलो से लो तो बचता है की, ज्यादा की का नहीं करने का। ये तो मुझे तेल लगा गया। इनकी तो आदत है टेढ़ी बातें करने की, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लो, तुम पैसे रखो। लो, धन्यवाद मैडम। रे 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 रे। ए, बिना गाड़ी के बैल, आजू बाजू नहीं देखेगा क्या? मुझसे टकराता तो हिल जाते तेरे सारे पुर्जे। क्या है तेरे हाथ में, ला मुझे दे। ये क्या? गर्म पानी और क्या। तो यहाँ क्यों लेके आए? क्यों, बहन की शादी एक चवन्नी छाप के साथ कर रहे हो? चुल्लू भर गर्म पानी में डूब मरो। लड़के में कोई कमी है क्या? चाकू जैसा तेज है। लेकिन हर चाकू से सब्जियां नहीं काटी जा सकती। घर में अगर दो लड़कियां रहती हैं और अगर बड़ी वाली की शादी सलमान खान से करा दो और दूसरी वाली की जॉनी लीवर से, तो लोग लोट पोट होके हंसेंगे। टेक योर ओन टाइम साले, टेक योर ओन टाइम। समझ में नहीं आता व्हाई दिस कोलावरी बी। उसने मेरी जान बचाई थी जीजा। तो क्या, मैं भी दो आदमियों को सुपारी और पान देके उसे मारने के लिए भेज दूंगा, तुम जाके उसकी जान बचा लेना। जान जान बराबर हो गया, जान बचाई है तुम्हारे लिए, जान दी थोड़ी है। जान बची तो लाखों भाई, लौट के बुद्धू घर को आए। आप मेरी सगी बहन के पति हैं इसलिए बच गए, वरना अर्थी उठ जाती। घर में डोली उठने वाली है, अर्थी उठाने की बात मत करो देवराज। तुम? मैं दूल्हा हूँ। हेकू, मैं जानता हूँ ये दूल्हा है, तुम्हारा इसके साथ क्या नाता है? ये तो मेरे लिए काम करता है। इस फालतू नौकर की इतने बड़े घर में शादी तुमने क्यों नहीं की? तुम तो ज्यादा हैंडसम हो, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं दिखाई दे रही, या फिर तुम सब अंधे हो? ये दूल्हा कब से? कब से नहीं, क्यों? चिंपैंजी नंबर वन, ओरैंगुटन कहीं का, मुझे बिल्कुल नहीं जमा, समझे? लगता है किसी ने तरबूज खा के उसका आधा हिस्सा सर पर रख दिया हो। मनी बालक स्वामी। बीमार आदमी को रोगी कहते हैं, कामयाब आदमी को भोगी कहते हैं, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे त्यागी कहते हैं। और योगी? प्रभास ने एक फिल्म की थी जिसमें उसका नाम योगी था। अच्छा, व्हाट? नो टेंशन बालक, हम हैं तो क्या गम है, च्युइंग गम चबाओ, लेकिन घर में नहीं बाहर थूको। मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ क्यों देख रहे हो? आपका साइज अचानक बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा आदमी तो बड़ा ही बनेगा ना, ये छोटे लोग नहीं समझ सकते तुम जैसे। शादी के लिए यहाँ आया? शादी ना हो इसलिए आया हूँ। इससे भी ये शादी पसंद नहीं? इससे एक लड़की प्यार करती है। इससे? वो भी लड़की? प्यार व्यार है कौन वो बदनसीब। आजकल की लड़कियों का टेस्ट एकदम फीका हो गया है। ट्रू सर। लड़की तो एकदम परी जैसी दिखती है। Yes, वो फिर ऐसे फटे ढक्कन के साथ क्यों चिपकी हुई है? किस्मत सर। अबे, रोमांस में वायलेंस,
प्यार सच में अंधा होता है। आपकी तरह लड़की का बाप भी सुबह शाम गम में डूबा रहता है। वो इस वक्त कहाँ है? वो रहा। यहाँ इतने फ्यूज्ड बल्ब में सिर्फ आप ही की लाइट बराबर जल रही है। आप बीवी? मैं इसका पति हूँ। कट लो। सुनील शास्त्री। समीरा का डैडी मोहन कुमार मिश्रा। आप अपनी बेटी की शादी उसके लवर से नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। करेक्ट डिसीजन। ये शादी नहीं बर्बादी है, है ना? हाथ मिलाओ इस बात पर। आपकी बेटी तो क्या, मैं इसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी छोटी साली से। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अगर शादी नहीं हुई तो पेपर्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स कौन से? ये है पूरी कहानी। अब समझा। तुमने उसके बाप को मार डाला। मैं तो क्या, मैंने बदले की खातिर तुमने उसकी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे साले को भेज दी। तुम्हें ये पेपर्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शादी नहीं हो जाती। सही पकड़ा ना? वाह रे वाह, स्टोरी सुनाई दीवार की और तुम समझे मोहब्बतें की। इसे कहते हैं टैलेंट। मैं तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में नहीं जानता था ना, फिर से सुनाता हूँ ये कहानी। सेकंड हैंड माल और सेकंड टाइम स्टोरी से मुझे सख्त नफरत है, पकाऊ होते हैं। अगर तुम्हें बिना लोचे के वो पेपर्स चाहिए, उसके लिए लड़के को मार दोगे तो भी चलेगा। हथियार पर जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। स्टेनलेस स्टील का लाना ताकि जंग न लगे। हाँ। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं। एक घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपा कली, एक घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे दो दो बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। हाँ। हाँ? तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर? रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? हाँ। पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ। हाँ। पर गर्लफ्रेंड रिसॉर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। हाँ। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को? घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना, खाना गपा गप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चर जाएगी, वो फैट और मैं फिट, वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ, इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं, उसने मना किया, उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपा कली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी है। पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है, इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू, ये ऊटी खूटी गाने जाता था,
अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को! मम्मी बचाओ! तेरी तो मुझे गंदा कहा, मैं तेरे गन्ने जैसे लगती हूँ। मार बोलो, पकड़ से मार, नकलों को क्या क्या करती है टीवी? और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजन करती थी और वो ऐश करता था। मार! अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तो करा कि मैं इसे मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो मोटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा? अरे केदारनाथ, आदेश गुरु। होम हवन और पूजा की सारी सामग्री की तैयारी हो गई। लकड़ी से लेकर घी और फल से लेकर फूल सब अपनी जगह पर रख दिया है। बस एक बार आप ये पूजा सफल कर दीजिए तो हम अपना ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर सकते हैं। तेरे मुँह में घी शक्कर, एक बार वो ऐप खुल जाए तो बीच के बिचौलियों को कमीशन देने से बचेंगे और फिर मारुति 800 में घूमेंगे। क्या बात है गुरुदेव, मस्का मत लगा, कलश लेके आ वरना तेरी पगार कट। अभी देखता हूँ। ये लीजिए। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओए होए, ओए। बच गए, किसी ने नहीं देखा। देख भी लिया और घायल भी हो चुका हूँ। स्वाहा हो गया। केदारी, ये केदारी। धर्म भ्रष्ट हो गया। ये बेवड़ों की तरह ऐसे झूम क्यों रहा है? ये पंडित का काम अब मुझसे नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा। पापी केदारी, ऐसा हॉट दृश्य देखा कि मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। नहीं नहीं, कर्तव्य पे ध्यान दो, पूजा में मन लगाओ। चलो भूल से ही सही, ये सुंदर फूल भी तो उसी की देन है। ये केदारी। गुरुदेव, एक लघु शंका है। लगी है क्या? नारी सुंदरता पाप है या फिर पुण्य है? पाप पुण्य से भी ऊपर है। ब्रह्मचारी से क्यों पूछ रहा है? आप लगते नहीं है लेकिन अंदर से बहुत रंग बिरंगी है। इस विषय में पड़ेगा तो लोगों की पड़ेगी। क्या चल रहा है पंडित, पूजा की सामग्री में कुछ झोल झाल तो नहीं है? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 5 मिनट में पूजा शुरू कर देंगे। दादाजी नमस्ते। आओ शीला, आओ। भाई हमारी बहुत खास है, इन्हें तुम भी अपना ही समझो। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। पूजा शुरू करने की अनुमति दीजिए। हाँ शुरू करो। ए जय श्री कृष्ण गुरु जी। आओ वकील साहब, सही समय पर आए हो। गुरु जी, एक जमाने में आप शहर के सबसे बड़े वकील थे, लेकिन तब भी मुझ जैसे छोटे वकील को शिष्य बनाया। अब इतनी इज्जत भी मत दो कि मुझे हजम न हो, मैं तो बस पूजा में जुड़ने आया हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ स्वागत है। परिवार के सभी सदस्य बैठ जाए। होम शुरू होने से पहले ही प्रसाद, ऊपर वाला मेहरबान तो मैं पहलवान। यार जरा वो भूसा दे, आईना देना। अरे देना, स्टील प्लेट से काम चला लो। गर्भवती कहाँ है? चलिए जजमान दद्दू, होम हवन की तैयारी हो गई, किसके हाथों पूजा शुरू करवाएंगे? मेरी पोती ये शुभ कार्य करेगी। बेटा रेणुका, आ गई तू। अरे पंडित जी। जी कहिए। ये मेरी पोती है, माँ बाप गुजर चुके हैं, इसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए इसीलिए ये हवन रखवाया है। बहुत अच्छे, अगले 9 दिनों तक प्रार्थना, पूजा पाठ, होम हवन, आराधना, जप जाप, सब कुछ इसके कल्याण के लिए करूँगा। बालिके अग्नि प्रज्वलित करो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। यजमान पहला अध्याय समाप्त हो चुका है, नाश्ता पानी की व्यवस्था कर दीजिए। आप भी साथ चलिए ना, खाना भी खाना है, थोड़ा ही देना। थोड़ा सा प्रसाद मेरी भी झोली में। आप तो दुनिया को बांटते हैं पंडित जी, और आप मुझसे मांग रहे हैं। हम बांटते हैं वो प्रसाद होता है, आप स्वयं हमें देंगी तो अमृत बन जाएगा। लीजिए। नाम सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। दिव्या भारती। आइला मुलगी पटली। पैर में बिछिया नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, यानी मेरे लिए खुला आमंत्रण है। उसे अकेले में मिलकर। अरे 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 केदारी। हाँ गुरुजी। क्या हो रहा है, अपने गुरु को नमस्कार किए बिना कहाँ भागा जा रहा है? कुछ पर्सनल काम करना था गुरुजी। ओ ठीक है, भगवान तुम्हें उसमें कामयाबी दे, मेरी कामयाबी तो मेरे सामने खड़ी है। जैसी आपकी आज्ञा। अरे केदारी। आदेश गुरु। पूजा सही करवा रहा हूँ ना। वाह 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 वाह, ऐसी पूजा जो ना पिछले 100 सालों में हुई है ना अगले 100 सालों में होगी। आपका नाम पंडित लोग की गिनीज बुक में लिखा जाएगा। आजकल मुझ पर कृपा बरस रही है। संविधान समर्पयामि। क्या लड़की है, कमल जैसा मुखड़ा, डाली जैसी कमर, इसकी काया का कायल हो गया हूँ। यजमान हवन का दूसरा दिन भी समाप्त हो गया, खाना लाओ। भाई तेरे को अखमारी के मेरे को अखमारी। सपने मत देखो, तुम दोनों को आंख नहीं मारी, मुझे आंख मारी। गुरुदेव दक्षिणा में कुछ और लेने लगे हो क्या? पहले दिन से उसका हवन कर रहा हूँ। हो गया शुरू। सुनो ये फल मिठाई और नारियल सब समेट कर मेरी साइकिल पे लटका दो, मैं दक्षिणा लेके आता हूँ। ये लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। शुभम भवतु। सुनो ये सब कुछ मेरी साइकिल के हैंडल पे लटकना चाहिए, एक भी तुम्हारे पेट पे नहीं जाना चाहिए। मेरी साइकिल पे भी लटका देना। कर्म पे ध्यान दो, फल मैं खा लूंगा। बाप रे, इसे कहते हैं पसीने की कमाई। गुरुदेव तौलिए से पसीना पोछ लीजिए। अनर्थ हो गया। अरे गुरुदेव गुरुदेव उस टॉवल को हाथ मत लगाइए। क्या हुआ केदारी? पता नहीं उससे किसने क्या किया होगा। किसी ने चेहरा ही पोंछा होगा, और क्या पोंछ सकता है। लेकिन ये टॉवल आपके लायक नहीं है। क्यों, इस टॉवल में क्या कांटे लगे हुए हैं? आप समझे नहीं, इसमें मैंने बुधवार को शाम 4:30 बजे। पंडित जी अपना मुंह बंद रखिए। अरे मैडम जी ये हमारे गुरु हैं, मैं इनसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैंने कहा ना चुप कर। अरे ये अपने शिष्यों और भक्तों के अलावा किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कौन सा चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र में था और गुरु अरे अरे पंडित संभाल के। अरे क्या कर रहा है? अरे वो चावल की बोरी, बेचारे को धक्का क्यों मारा? बैलेंस आउट हो गया। मेरा केदारी आउट हो जाता तो इतना सस्ता आदमी कहाँ मिलता है। ए केदारनाथ आपने तो मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मैं कहाँ जाकर टकरा जाता। दादाजी फोटो में तो नथुलाल जैसी मुझे और अब सब साफ। अच्छा वो बात ये है कि मेरी पोती जब छोटी थी उसे प्यार करते वक्त मेरी मुझे चुपती थी, तो उसने जिद करके मेरी मुझे साफ करवा दी। कितना ख्याल है पोती का दद्दू। अच्छा एक बात बता पंडित, तेरी मुँचों का मुंडन में क्या तेरे पोता पोतियों ने करवा दिया है? अरे पोता पोती तब होते जब इनका बेटा होता। और इनका बेटा तब होता जब गुरुजी की शादी होती। इनका ग्रह दोष दूर करने के लिए कई यज्ञ किए पर कोई राजी नहीं हुई। अब तक किसी के साथ कुंडली मिल नहीं पाई, ये होम हवन पूरा होने तक कोई जरूर मिल जाएगी। हाँ मैं बाद में देखती हूँ। बुढ़ापे में भाग्य संवर गया, किसी लड़की ने मुड़कर तो देखा। ये क्या गड़बड़ है गुरुजी, वो तो नैन मटक्का करके चली गई। तुमने भी देखा ना, दोनों तरफ यज्ञ बराबर चल रहा है। यजमान हा? अब हम प्रस्थान करेंगे। हाँ ठीक है, मुझे विवाह के लिए आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो, जल्दी से तुम्हारी शादी हो। तूने क्यों लिया, वापस एक्सरसाइज कर रहा था। चलते हैं।
अब यहाँ मेरी क्यों बैंड बजा रही हो? तुम्हारा हस्बैंड वहाँ बैठा है, वहाँ जाके बैठो। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? मैं पहले बहुत शरीफ था, लड़कियों के मामले में गरीब था, पर तुमने मुझे अपने पास बिठाया, मीठा बोल के चने की झाड़ पे चढ़ाया, मेरे मासूम दिल में घुसी बसी फिर भी न फंसी। अब पता चल रहा है कि तुम अपने हस्बैंड को भी साथ लाई हो, मेरी पुंगी बजा देता तो। एसएमएस जी, मैं एक राज बताऊं? बताओ। आपको माया ने छोड़ दिया उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है ये किशन। और मेरी शादी सचमुच में नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा। सब समझ गया। यू लाइक मी। अब तुम्हारे इस नकली पति को मैं चाय की पत्ती की तरह उबालूंगा। अपने घर क्यों लाए? रिश्तेदारों को क्या होटल में ठहरने देता? आज होली है, पहले वो मनाते हैं। पुराना मानो होली है। स्टैच्यू, स्टैच्यू, स्टैच्यू। ना तुम मेरे बॉस और ना ही मैं तुम्हारा नौकर, कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। चाहे तुम होली खेलो या गोली, पर ये मस्तानों की टोली होटल में रुकेगी। जब से इसकी बीवी से छोड़कर गई है, खुशी के मारे इसके दिमाग का फ्यूज पूरी तरह गुल हो गया है। संध्या के साथ थोड़ी गलतफहमी क्या हो गई? बुड्ढा उसका फायदा उठा रहा है। अरे मंगल जी, इसे जरा होटल छोड़ाओ। ठीक है। मिस्टर मिक्सर ग्राइंडर, होटल में अकेले नहीं जाऊंगा, संध्या भी मेरे साथ जाएगी। तेरे दिमाग में भूसा भरा है, धूप में खड़ा है, आग न लग जाए। मियां बीवी को अलग क्यों करना चाहता है कुत्ते? तुझे कुत्ता काट ले तो वो भी मर जाए कभी नहीं। मुंह में दांत भी नहीं है, जाकर अपनी कब्र के लिए आर्किटेक्ट ढूंढ। मिक्सर जानी, लगाम योर टंग, हम डॉक्टर हैं। तू डॉक्टर है? हाँ। मरीज लग रहा है। तुझ जैसे डॉक्टर हकीम से दवा लेकर खाते हैं। तूने जिनका इलाज किया है वो जिंदा भी हैं? वार्ड बॉय लगता है, एक्सपायर्ड मेडिसिन। अब भी कहता हूँ सुधर जा, वरना होटल नहीं हॉस्पिटल जाएगा। संध्या आ जाओ बेटा। फाउंडेशन में कौन कौन है ये मुझे क्या पता? ये मेरी प्लानिंग नहीं है। जब इन्होंने होटल जाने के लिए कहा तब तुमने मना क्यों नहीं किया? चुपचाप क्यों खड़े रहे? जब वो उल्लू मुझे गालियां दे रहा था तब ये मजे ले रहा था। वो तो मैं तुम्हारे प्यार की वजह से चुप था, वरना उसके टॉन्सिल्स दबा देता ऑन द स्पॉट। मैं जानती हूँ एसएमएस जी। थैंक यू डॉक्टर। यह मजा आ रहा है ना? तू आ गया, यहाँ मेरी सेटिंग चल रही है और तू मुझे आउट करना चाहता है? अरे मुश्किल से कन्या मिली और तुम चाहते हो मैं घोड़ी चढ़ू ही नहीं? मेरे मोटे अरमानों पर पानी फेरो। दूसरों की शादी में 100 बार नाच चुका हूँ, जवान हूँ तब तक खुद की शादी में 1 बार तो थिरकने का मौका दो। अब जाओ। जाता हूँ। संध्या, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, घर के किसी बड़े से मिलते हैं, उनसे कहते हैं हमें होटल पहुँचा दे। मुझे भी नहीं रहना, मैं आपके साथ चलूंगी। डॉक्टर साहब, क्या है? मुझे आपसे कुछ कहना है। बको। आपसे शादी के बाद मैं माया से कभी ना मिला ना बात की। मतलब? मतलब कि तुमने वो कली नहीं तोड़ी जो मेरे बाग में खिली थी। ये कैसा एग्जांपल दे रहे हो? मेरी बीवी है मेरा सैंपल, मैं चाहे जैसा भी दूं उसका एग्जांपल। इस घर के मालिक से मिलकर तेरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा और तेरा कच्चा उतारूंगा। डॉक्टर, तू एबनॉर्मल है क्या? हाँ। तो कच्चा उतारने की बात क्यों कर रहा है? एसएमएस जब एमएमएस बन जाता है तो खुद की भी नहीं सुनता। ऐसी बात मेरे दादाजी के सामने मत करना। घर के मालिक दादाजी हैं? हाँ, वो अंदर सो रहे हैं, उनसे मेरी शिकायत मत करना। मतलब दादाजी उस कमरे में? दादाजी के वक्त जी, दत्तू, ग्रैंडमा, उनसे कुछ कहना नहीं। तो गया। दादा जी। इसे इतनी भी तमीज नहीं कि बिना नोक के किसी के कमरे में नहीं घुसना चाहिए। अरे ये ठहरा जंगली सांड, इसे मैनर्स कहाँ से आएंगे? मुझे तो लगता है इस जंगली सांड को हमें काटकर मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। बेटा इसे ऐसी जगह काट कि ये कभी बैठ ना पाए। मुझे तो ये हमारी बिरादरी का लगता है, बस शक्ल सांड जैसी है। ऐसी जगह चुन की जिंदगी पर इंजेक्शन ना लगवा पाए, इंसान मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शुभ काम में देरी करती, बोलो जर्मन शेफर्ड की जय, जंगली कुत्तों की जय, सड़क छाप कुत्तों की जय। झूठी तसल्ली देकर होली में लाल होकर आ गए? होली में नहीं हुआ हूँ, उस खोली में हुआ। इंसान इंसानों से खेलते हैं, मैंने कुत्तों से खेली। वो कैसे खेलते हैं? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, उस दिन उसके सामने हर कोई ढेर होता है, और आज ही वो दिन है। आदमी एक और कुत्ते अनेक।
दिखा भी नहीं सकता कहाँ कहाँ काटा है मुझे। अब मैं उस किशन को कच्चा काट खाऊंगा। कुत्ते के मुंह नहीं लगते हैं एसएमएस जी। मेरा ईगो हॉट हुआ है। ईगोइस्ट टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है। आप क्या करेंगे? कुत्तों ने मुझे काटा है, अब मेरी रगों में कुत्तों का खून दौड़ रहा है। मैं उस पे भौंकूंगा, उसे काटूंगा। बस तुम प्यार से छू बोल दो। सुनो तो। अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। तुम सिर दर्द का बहाना करके उससे कहो कि वो बच्चों के साथ सो जाए। जैसे ही वो बच्चों के कमरे में जाएगा, वहाँ बच्चे नहीं होंगे, वहाँ रहूंगा मैं, रेबीज वाला कुत्ता। भौ भौ। कल हम कब निकलेंगे यहाँ से? 7:45। मेरी कमर में आज बहुत दर्द है, इसलिए आज बच्चों के साथ तुम सो जाओ। मैं सो जाऊँ? ठीक है। के नीचे मरेगा मनहूस। इधर होगी तेरी बर्बादी, उधर मेरी शादी। और बताओ सिग्नल मिला क्या? कैसा सिग्नल? अरे बेवकूफ, जल्दी से बच्चों को सुलाकर उसकी कमर दर्द का इलाज करना है तुम्हें। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओहो, आजकल के जनरेशन के यही तो प्रॉब्लम है, बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाने का यही तो मतलब है। चलो उठो। अरे चलो, क्या मतलब है? चलो, अरे आप बात मानो, चलो तो। अब क्या? तुम्हारी कमर दर्द का इलाज लाया हूँ, इसके पास फंडू बाम है। तो दो। ये इतनी दूर से कैसे लगाओगे? चलो अंदर जाओ, अच्छे से लगाना। ऑल द बेस्ट बेवकूफ, ऑल द बेस्ट अंकल। अरे मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो। और मुझे पता है तुम्हें 10 मिनट क्यों चाहिए। हकीकत बयान करके चला जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ। संध्या, ये क्या है? झंडू स्प्रे है, इससे मेरी आंखें जलने लगेंगी। तुम मारू? पर क्यों? ए, ए, संध्या, क्या कर रही हो तुम? अरे मेरी आंखें, मेरी आंखें। पलंग टूटने की आवाज, लाइव देखता हूँ। अब तेरी क्या जरूरत? गिरने की आवाज नहीं आई, नसीब वही लटक गया। बाम ठीक से लगाया कि नहीं? अंकल एकदम चकाचक। उसके आने से पहले सेट कर देता हूँ। ठीक हो जाना मेरे बाप, खुला खुला मेरे बाबू बचाना। अरे ये रुपये जैसा नीचे क्यों गिर रहा है? थैंक गॉड, मरा नहीं है, जिंदा है। जिंदा तो है, पर अब ये बेकार हो चुका है, आप समझ ही गए होंगे। यानी अब ये किसी काम का नहीं रहा? हाँ? रो के क्या फायदा, कभी प्लान ठीक से बनाया है? तुम भी दुनिया में बगैर प्लानिंग के आ गए हो। तुम सब तो बहुत होशियार हो, बेकार में निकम्मा समझा मैंने। किस बात की मीटिंग है? कल रात को उस मजनू को इन तीनों ने मिलके अच्छा सबक सिखाया है। उस मजनू को इन्होंने इतना मारा कि वो अब तक तो शहर छोड़ के भाग गया होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, बस एक मिनट आया। हाय कॉलोनी मेट्स, हाय रूममेट्स, हाय क्यूटी। हॉस्पिटल में तुम क्या कर रहे हो? इस ब्यूटी को सिक्योरिटी देना मेरी ड्यूटी है। सिक्योरिटी? हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ रहेगा, आवारा कुत्ते नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ पेशेंट रहेंगे और उनके रिलेटिव्स। इसे बाहर निकालो। बदला लूंगा।
यहाँ क्या हुआ? यहाँ बैठो भाई। बात क्या है? पहले बैठो फिर बताऊंगा। अरे अब बोलो क्या हुआ? नहीं भाई, पहले ड्रिंक्स पियेंगे। ड्रिंक्स डिस्कशन एक साथ? ये कोई टाइम है? रात को अच्छा लगता है। बिना सवाल के गटक लो भाई। ड्रामा बहुत हुआ, बको। ये उतरेगी तो गले से बात निकलेगी। ऐसा क्या? अब रिकॉर्ड प्ले करो। आज संध्या मैडम से मिला था। है? मैंने उनसे कहा कि आप उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने कहा पानी सर से ऊपर निकल चुका है, उन्होंने कहा भाई क्या कर लेंगे। मैंने कहा आपके प्यार में वो जहर पी लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप डरपोक हैं। उनसे चैलेंज जीतने के लिए मैं आपको जहर पिला कर रहूंगा। अरे मैं क्यों जहर पीने लगा? मैं नहीं पीऊंगा। आप ऑलरेडी पी चुके हैं। क्या मैं? हाँ भाई। कब? अभी एक मिनट पहले आपके ड्रिंक में मैंने जहर मिला दिया था। पागल है क्या? पिला दिया? वो गए अंदर और मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाएंगे। ऊपर हटो हटो हटो, भाई ने संध्या मैम के प्यार में जहर पी लिया। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, इमरजेंसी केस है, हटो। इमरजेंसी? पेशेंट का रिश्तेदार हूँ, पेशेंट का रिश्तेदार, मैं इनके साथ आया हूँ। डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर, आपके हाथों में जादू है। थैंक यू वंस अगेन। क्यों वीरा, थोड़ा जहर क्यों पिया? पूरी बॉटल क्यों नहीं पी? जरूर पियेंगे भाई, प्यार में बॉटल तो क्या, पूरा ड्रम पी जाएंगे। पूरा ड्रम? जरा यहाँ, मुझे एक डाउट है, तू मेरे लिए यहाँ आया या उसके लिए? मेरा प्यार होता तो मैं जहर पी लेता। जहर का नाम लिए बिना तेरा सेंटेंस पूरा नहीं होता क्या? मुझे तो चाय के नाम से ही एसिडिटी हो जाती है। जहर मेरा पेट अपसेट कर देगा। क्यों रे, आर्ट फिल्मों की तरह ये मामला ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो रहा क्या? क्यों ना माल मसाला डाल के साउथ फिल्मों का तड़का लगा दे। क्या कह रहे हैं तुम्हें? सुनना चाहती हैं आप? जहर लाने को कह रहे हैं ताकि आपके सामने जहर पी जाए। मैंने कब कहा? शौक से मरो तुम यहीं। अच्छा हुआ बहू ने फोन उठा लिया, तो मैं कह रहा था बहू। मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, आगे से फोन किया तो तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगी। उस नालायक को डॉक्टर मिल गई? अपने पापा से कहो मुझे बार बार फोन ना करे। आओ, तुम्हारे पापा इसे बहू क्यों बुला रहे हैं? क्या तुम भी इसी पे लाइन मार रहे हो? चीची चीची कह के इतना गंदा चेहरा बनाया, तुम्हें वो इतनी बदसूरत लगी क्या? ऐसी बात नहीं है भाई, आपकी प्रेमिका है ना, मेरे लिए आंटी समान है। शुक्र है दोस्त, डॉक्टर से कहो ना मुझे डिस्चार्ज दे दे, मुझे वसूली पे जाना है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? आप भी थोड़ा सा जहर पीजिए ताकि इनका दर्द समझ में आ जाए। अबे क्या बक रहा है? मैं शपथ लेता हूँ, जब तक भाई को प्यार में कामयाबी नहीं मिलती मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बहुत भूख लगी है, चलो कैंटीन में चलकर डिस्कस करते हैं। अबे फेकू चल।